हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज, जहां पर मैं आपको मैथ प्रिपरेशन के साथ साथ आपके एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। आज जो अपडेट है वो है सीजीएल 2019 के ऊपर जो कोर्ट केस है उसके रिगार्डिंग। जैसा कि हम सभी को पता था कि आज यानी कि 24 फरवरी की तारीख लगी थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि आज हमारा फाइनल डिसीजन आएगा, और एसएससी ने भी अर्ली हियरिंग की बीच में एप्लीकेशन लगाई थी, तो उम्मीद थी कि वो भी चाहता है कि जल्दी डिसीजन आए। लेकिन हमारे लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है, बहुत ही नेगेटिव है कि आज भी हमारा फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है, और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिली है वो भी काफ़ी दूर की मिली है, 8 मार्च की। और वैसे तो कोर्ट ने बोला है कि इसका निपटारा 4 वीक के अंदर कर देना है जो भी ये केस है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो काफ़ी दूर की मिली है हमें, 8 मार्च, तो तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और हम बस यही उम्मीद ही कर सकते हैं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में हमारा जो फाइनल डिसीजन है वो आ जाए। लेकिन कोर्ट को भी समझना चाहिए कि बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल डिसीजन का, और उसके बाद का भी पता नहीं कि ये कैंडिडेट के हक में आएगा या एसएससी के हक में आएगा। लेकिन जो भी है, एक बार फाइनल डिसीजन आ जाए उसके बाद ही नेक्स्ट कार्रवाई हो पाएगी, तो तब तक वेट करें भाई, और अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ ज़रूर करते रहें। और आपको यदि मैथ प्रिपरेशन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक आप लोग तैयारी करते रहें, ऑल द बेस्ट।